बिना अदरक के चाय बन रही है। कोई बात नहीं, मैं तो पी लूंगा तुम्हारे लिए, इसलिए मैं बनवाई नहीं रही हूँ, बिकॉज यू डोंट गेट एनीथिंग। घर में एक सब्जी नहीं है। तो मैं तो खा ही नहीं रहा। इसका मतलब सिर्फ पापा मम्मी खा रहे हैं, यही हुआ ना। नहीं खाएगा तो तुम्हें मनाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। और संभावना का डायलॉग मार देता हूँ। सुबह का दिन है और बज रहे हैं 12:30। मैं अपना वर्कआउट करके आ चुका हूँ, पसीने भी सुखा चुका हूँ, अपना प्रोटीन शेक भी पी चुका हूँ, और आज किसी ने भी ब्लॉग शुरू नहीं किया है, सबने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। 12 बज चुके हैं। नहीं, तुमने 12:30 का है ना, इट इज 12:10। नहीं, लेकिन आप कितने बजे उठी हो? मैं जल्दी उठी हूँ। कितनी जल्दी? कोई एक आई थिंक, पता नहीं, घड़ी मुझे लगता है दादा बता रही थी 10 बज रहे थे उस समय। तुम सही जगह उठी थी। मैं तो मेरे घर से 9 बजे मेरे हिसाब से था, लेकिन घड़ी ने 10 दिखाया। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे पापा ने करेक्ट बोला एकदम। गुड आफ्टरनून हो गया। वो पहले सोच के बैठे थे कि इन तीनों को मैं धोबी पछाड़ दूंगा, इनको बोलने तो गुड मॉर्निंग फिर बताऊंगा कि गुड आफ्टरनून। मम्मी ने चाय नहीं पी है। क्यों? मना कर दी। फिर मैं नहीं पीऊंगी। मन नहीं करता चाय। क्यों? कभी कभी नहीं करता है। तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मम्मी का बीपी चेक हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा ही है। ज्यादा बता रहा है। दवाई ली है मम्मी आज? अभी नहीं ली। कुछ खाया है? 20 किलो। मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है, बट स्लाइट थोड़ी अपर साइड पे। मतलब ऐसा मेजर कुछ नहीं है ना? एक बार और चेक करती हूँ, क्योंकि अगर ये बार बार ऐसे रोना आ रहा है या कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली बीपी पे कुछ गड़बड़ है। बीपी तो थोड़ा बड़ा हुआ है, नीचे वाला भी बड़ा हुआ है। पीछे मम्मी अब नाश्ता कर रही है और घर में आज बहुत सारे काम है, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है। हमारे घर में बार बार गीजर ऑन करती, सारी लाइट चली जा रही है, सब ठीक हो रहा है ना? ओ, उसके ऊपर अभी आपने कनेक्शन निकाल दिया उसका या कनेक्शन निकाला? अच्छा, इतना लंबा भी तो चला ना, गीजर खराब हो गया कह रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, इतना लंबा, इतने सालों से इसने हमारा साथ दिया है, 10 साल हो गए, कभी खराब नहीं हुआ। आपको होना ही था ना, तो अब रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है भाई। आप मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं कराना, उसको नया ही लेना चाहिए। ये क्या खराब क्या है इसमें? कभी भी इस शॉर्ट हुआ है, क्या हुआ है? चेंज करो। वो खोलने के बाद ही पता चलता है सर। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसको तो पावर आ रहा है उसमें ना? पावर उसके अंदर नहीं जा रहा, पावर जैसे लगाएंगे वैसे ट्रिप हो रहा है, तो उसको रिप्लेस करते हैं ना। ये कौन सा वाला है? सेम यही वाला लेना चाहिए हमें, इससे बड़ा 15 लीटर का बड़ा वाला ही है। बड़ा ही है ये तो, बड़ा ही लेना चाहिए। बड़ा ही लेना चाहिए तो छोटा जैसे MCV का कोई इशू नहीं है इसमें? तो ये कहाँ से लेना चाहिए? आप लाके दोगे, क्या करोगे? आप स्टोर से मंगा लीजिए मैम, कहीं से भी। नीचे से भी मिल जाएगा ना? कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये लिख के दे दो ना, ले आते हैं फटाफट। तो जी, मम्मी की तबीयत बता दूं मैं, बेटर है। और जैसे ही मम्मी की तबीयत ठीक हुई है, मम्मी झाड़ू मारने लग गई है, ये देखो। नहीं, वो तो ठीक कपड़े निकाल रहे हैं। और आज घर में इतना काम है, इतना काम है। गीजर खराब हो गया, वो ऊपर का सारा तोड़ दिया बाथरूम का उन्होंने। मैं और पापा नीचे जा रहे हैं, जरा जब तक अविनाश नहा के आता है तब तक मैं नीचे जाके, कब से कोको के वो कवर बनाने के लिए दिए हुए हैं जो गद्दे के हैं, वो मैं लेने जा रही हूँ। तो मैं मम्मी 5 मिनट में आ जाऊंगी नीचे से, है मम्मी? तब तक ये कर रही है ये सब काम। मम्मी अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, मत करो। ठीक है, ठीक है। फिर अभी गीजर भी खरीदने जाना है, गीजर खरीदेंगे आज। मतलब पता नहीं था सुबह से कि आज अचानक इतने काम आ जाएंगे, बहुत सारे काम आ गए हैं और बहुत सारी चीजें करनी। बापरे। तो जी, पापा मम्मी और मैं निकल रहे हैं गीजर देखने के लिए। गीजर रास्ते में अगर मिल गया तो ले लेंगे, प्लस हम लोग फिर अविनाश को आगे स्टारबक्स पे मिलेंगे, क्योंकि ये कुछ लैपटॉप का काम कर रहा है जो कि मुझे नहीं पता क्या है, वो खत्म करके ये सीधा हमें वहीं मिलेगा। ठीक है बेबी? हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन ये तो डायरी दिख रही है। हाँ, कुछ काम कर रहा हूं। कोई लाल डायरी में मेरा नाम तो नहीं लिख रहे? मुझसे बदला लेना है। वो तो लिखा हुआ है ना, वो तो भर चुकी है डायरी, तुम्हारा नाम लिख लिख। लो 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 मम्मी। फाइनली अविनाश जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग सब कॉफी पी के बैठे हुए हैं। मम्मी ने तो अपने बाल वाल भी खोल दिए है। मम्मी बाल काहे को खोल दिए? गीले हैं बाल। मैं भी डर गई मम्मी के बाल सडनली देख के कि ये क्या हुआ है। मैंने एक कॉफी पी ली, जब वो खत्म होने वाली थी तो मैंने उनको बोला कॉफी ना कुछ अच्छी नहीं है, तो दोबारा बनवा ली एक और कॉफी फ्री में। फ्री की चीज़ अच्छी लगती है ना मुझे, तो मेरे को उन्होंने दूसरी कॉफी भी दे दी। तो बेसिकली मैं 2 कॉफी पी चुकी हूँ, एक पे करके एक फ्री में। और एक कॉफी जो दे रहे हैं वो लोग वीडियो देखते हैं ना, वो लोग देख भी लेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पकड़े ही तो जाएंगे। मम्मी चोरी थोड़ी करी है कॉफी, कॉफी के हम लोग प्रशंसक है। चीटिंग है, छोटी सी चीटिंग। चीटिंग नहीं होती, प्रशंसा में कॉफी एक और मांगी है उनसे, जिसने मनाई थी वो भी देख रहा है मम्मी। रेगुलर कस्टमर हो इसलिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं, उनको भी फर्क नहीं, तो आज नहीं कल निकाल लेंगे, कल नहीं पसंद वो भी घाटे में नहीं है। घाटे में तो नहीं है, किसी दिन पतली कॉफी पिला देंगे। नहीं नहीं, पतली कॉफी नहीं मैं पीती, कॉफी मेरे को बराबर चाहिए एकदम। पतली में तो फिर दोबारा देना पड़ेगा। हाँ, फिर उनको घाटा है। ए बेटा, कॉफी बेटा ने कॉफी नहीं पी है। तो जी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ पे सोफे क्लीन हो रहे हैं।
सोफों की सफाई हो रही है, जो कैंडी ने चाट चाट के इनका बुरा हाल किया हुआ था, फिर से कोशिश हो रही है कि वो दाग मिटाए जाए। ये देखो, और ऑब्वियसली सोफे की सफाई होगी, कम से कम 4-5 घंटे ही लगेंगे सूखे के। इनफैक्ट आज पूरा दिन ही देना पड़ेगा, पूरी रात देनी पड़ेगी, पूरी रात लेंगे और उसके बाद साफ एज इन सूख जाएंगे। बोलना कुछ और चाह रही थी मैं, ये पूरा आज गया सोफे का। कैंडी ने इतना गंद मचा रखा है ना सोफे में, क्योंकि मानती नहीं है। कैंडी चढ़ी और कैंडी ने सोफे चाटने, चाट चाट के ना वो गोले गोले बनाए हुए। वी कांट हेल्प इट, इतना बुरा लगता है ना कि कोई भी आता है और सोफे की हालत ऐसी होती है। क्या किसी को बताएंगे कि हमारे घर में ये कुत्ते इतने बदतमीज हैं। ये लो जी, साफ तो हो रहे हैं वैसे। ये कालक वालक निकल जाएगी ना, ये कालक है ना। अच्छा, पानी देखो, पानी ही इतना काला हुआ है। ये सोफे की कालक निकली है भैया, कालक अंदर है, दिखाना जरा। ये देख लीजिए सोफे की कालक, पापा एकदम काला पानी है, देखो जरा एकदम काला पानी। मम्मी देखोगी तो हैरान रह जाओगी, इतना काला है। चल तू अंदर, बाहर क्या कर रहा है, चल अंदर देखो, लेके चलो। बेटा आज ही तेरे को घर की पूरी वो प्रोटेक्शन करनी है क्या? आज घर को प्रोटेक्ट कर रहा है ये, जबकि आज जरूरत नहीं है, सफाई चल रही है। तो जी लगे हाथ पर्दे भी, जा रहे हैं ड्राई क्लीन होने के लिए, ले गए। आप लगा के भी जाओगे ना, ऐसे ही जैसे निकाल रहे हो वैसे ही लगा के जाना, हमें नहीं आता। कहाँ गए, आपको ये आवाज ही नहीं दे रहे। भैया लगा के जाओगे ना वापस, सेठ को तो पता है, आप बस कर जाना, कल लगा दोगे ना वापस, कल शाम तक। हाँ मम्मी आराम कर लो, ठीक है, चाय रखवाऊं थोड़ी देर में। लगे हाथ देखूं अविनाश बिजी है, तो मैं इस रूम में आराम से बैठी हूँ थोड़ी देर, क्योंकि हर जगह काम चल रहा है। पता है घर की इस समय एक्चुअली बहुत बैंड बजी हुई है, थोड़ा सा क्लीनलीनेस भी होना चाहिए। गणपति आ रहे हैं तो आगे वाला रूम तो एटलीस्ट ठीक कर लेना, वैसे तो घर ही ठीक होना चाहिए। और बहुत ज्यादा बाथरूम के इश्यूज जो है ना वो इतने ज्यादा हो रहे हैं कि क्या बताऊं। हमारे बाथरूम के तोड़ा फोड़ी में क्या करें और क्या नहीं करें, प्लस गीजर खराब हो गया है, मेरे को ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है, सामान लेके उस बाथरूम में मैं शिफ्ट नहीं हो सकती, वो सब नहीं हो सकता। मैं अपने बाथरूम में नहाना प्रेफर करती हूँ, मतलब वो भी मेरा ही है लेकिन ये भी मेरा है, मतलब ये ज्यादा है, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। अब पता नहीं ये लोग डिसाइड करेंगे तो पापा और अविनाश डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। ये सब डिसीजन मैं नहीं लेती दोस्तों, मैं सिर्फ खाने पीने के डिसीजन लेती हूँ, कि घर की साफ सफाई के लेती हूँ। ये क्या लगाना है क्या नहीं लगाना मुझे नहीं पता, गीजर वगैरह का। अभी सोफा हो गया क्लीन, एक बार आके देख लोगे, फोन पे हो गया। तो जी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना कचरा निकला है। ये देखो मम्मी, ये जियो, ये सोफे का कचरा है, हमारे सोफे पे जो हम बैठते हैं, ये कैंडी का कचरा है। ये कैंडी को बैठने नहीं देंगे, मम्मी मानेगी नहीं ना, नहीं देंगे। ये देखो देखो जरा, ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल सफाई करवा रही हूँ यहाँ की, क्योंकि फिर वंस फॉर ऑल गणपति से पहले की सफाई यहाँ की सारी हो जाए। ओके, क्योंकि मेरे बस का भी नहीं है और तुम तो हो ही नहीं भैया। बस ये भी अंदर का भी देख लेना, इधर का भैया, चमका के जाना एकदम, बस चमकौआ बन जाए इधर। घर में अदरक नहीं है, चाय कैसे बनेगी, बिना अदरक के चाय बन रही है। कोई बात नहीं, मैं तो पी लूंगा तुम्हारे लिए, इसलिए मैं बनवा ही नहीं रही हूँ, बिकॉज यू डोंट गेट एनीथिंग। घर में एक सब्जी नहीं है, मैं तो खा ही नहीं रहा। इसका मतलब सिर्फ पापा मम्मी खा रहे हैं, यही हुआ ना कि सिर्फ मैं और पापा मम्मी खा रहे हैं। और इसकी वेशभूषा देख के मुझे लग रहा है की कैमरा ही है। तो तुमने मंगाया था कैमरा, तो कैमरा ही आएगा ना, कि साथ में कुछ और भी मंगाया था तुम्हें, उसका शक था, एक ही चीज मंगाई थी। अरे तो तुम भी तो दिन भर ऑर्डर ही करती रहती हो, तुम्हारा कब क्या आता है मुझे पता ही नहीं। तो ये नाम तुम्हारा लिखा है ना इस पे। अच्छा ओके चलिए, मतलब या तो ये फिर वो वाला हो ना, कि वो कौन सा होता है, कौन सा व्लॉग होता है, वो अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग हो। हमको तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये अनबॉक्सिंग का व्लॉग हो जाएगा या क्या है। अनबॉक्सिंग मतलब अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग नहीं है ये, अनबॉक्सिंग का व्लॉग नहीं है, अनबॉक्सिंग नहीं है, खोल देंगे ऐसे ही खोल देंगे, अनबॉक्सिंग नहीं है। अरे मम्मी बेटा कैमरा मंगाया है कह रहा है, बेटा इतना कुछ मंगाता है कि मेरे को पता ही नहीं होता कि क्या क्या घर में आ जाता है। हाँ लाइट, और वो उल्टी पड़ी हुई है, उल्टे मुंह पड़ी हुई है मम्मी वो लाइट। पापा रोज हाथ मार के गिरा देते हैं उसको, मैं अब एक जगह सेट करूँ। तुम ताज क्यों नहीं मना लेते उस रिंग लाइट का, गोल अपने सर पे डाल के घूमो ना, और रिंग लाइट इतना महंगा लाइट मंगाया फालतू का, कम से कम लाख सवा लाख की दी है लो, गोल वाली वो राउंड वाली। पापा ये तो मतलब आप तो हद ही कर देते हो पापा, ऐसी ऐसा कौन झूठ बोलता है। पापा 10-15 हजार की चीज को आप लाख सवा लाख को बता दोगे तो कैसे चलेगा। वो धूल छाक रही है, दो तो धूल छाक रही है, वो मेन बात है। चीरा मारो चीरा, तो खोल लेते ना पापा को, कर पापा से आना बॉक्सिंग कराओ, आना बॉक्सिंग पापा से कराओ। तो पापा का पेपर प्रिंटिंग का काम है ना, तो पेपर गत्ता। अरे वो तो पापा ने पूरा
बॉक्स ही ऐसा घुमा दिया है। चाकू सीजर देख के ना पापा को बड़ा मजा आने लगता है। ये दोस्तों इस ब्लॉग का थंबनेल ऐसा हो सकता है कुछ, अनबॉक्सिंग। उंगली ना काट दे तुम्हारी, देखना मेरी आंख पे ना मार देना पापा, आप ज्यादा एक्साइटेड हो। ये क्या है? ओह, उल्टा कैमरा डाल के क्यों दिया इन्होंने? हाँ कैमरा ही तोड़ दिया क्या हमारा? अनबॉक्सिंग पापा, चीरा मार दो इधर, फुल्का मारे ना एकदम, लता ना तोड़ दे। अरे मेरा फेवरेट कैमरा मंगाया वैसे तूने, तूने नहीं सुन, तूने बोल दिया जो जोश में। अच्छा लग रहा है, इसको हैंडल कर पाऊंगी मैं? हाँ हाँ, सेम यही साइज है लेकिन इससे बेटर है। सेम साइज में बेटर कैसे हो सकता है? कितने का आया है? लेटेस्ट कैमरा भाई ये, लेटेस्ट है। प्राइस मम्मी के सामने नहीं बताया जा सकता। छुपा लो, मम्मी के सामने पूछ दिया मैंने प्राइस। आराम से भी ये वापस भी करना पड़ सकता है, इसको हाथ से भी खुल जाएगा। फिर आप करिए ना, आप करिए। अल्ले मेला चैलू भी आ गया अनबॉक्सिंग करने। चैलू देखो क्या आया है, देखो देखो, आप बनते हो इससे, मतलब आप शूट होते हो इससे। ले लगा दे अपना नाक। नहीं ये तो सोच रहा है अनबॉक्सिंग हो रही, नहीं का मटेरियल होगा। अच्छा अच्छा, चैरी ने सोच रहा है कि इनको नीचे भेज के इन लोगों ने खोलना शुरू कर दिया। अरे इतना टाइट कैसे है? करो, बहुत टाइट हुआ हुआ था। चेरी यहीं बैठ चुकी है, खुला जा रहा है। आई गेस ये कैमरा ही है, मतलब कैमरा तो है ही, पक्का हो गया ये तो मुझे, लेकिन क्या क्या है कैमरे का ये नहीं पता मुझे। ये कैमरा का मेन पार्ट है। आज तो बहुत कुछ हो गया, कैमरा भी आ गया, सब्जी भी ऑर्डर हो गई। कैमरा एक बराबर कर दिया तुमने, मम्मी के लिए तो एक बराबर ही है, मम्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जी थी। सब्जी खा गए तो कैमरा चलाओगे? हाँ सब्जी नहीं जाएगी अंदर तो कैमरा कैसे आएगा, चलेगा कैसे? मम्मी से खुलवा दो। हाँ मम्मी लो अपने शुभ हाथों से कैमरा खोलो। डंडा नहीं इसमें, डंडा मतलब कैसा डंडा? खोलो, छोटा सा इतना बड़े डिब्बे में दे रखा है, यही है, इसी का पैसा है। एक या मम्मी ने, अरे वाह एकदम ऐसे ही लग रहा है, वैसे ही लग रहा है विनाशी, तो ये तो उससे भी हल्का है, इसके जैसा लग रहा है, तो उससे भी हल्का कैमरा है। हाँ बहुत हल्का है, देखो पापा देखो, आपको आइडिया पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन अच्छा अभी बैटरी वगैरह कुछ लगनी है क्या पीछे इसके? हाँ। तो बैटरी लग के मैं वो हो जाएगा ना भारी, अभी तो बहुत हल्का है देखो। ये कंपनी अलग है ना? हाँ ये कैनन का? नहीं नहीं ये कैनन नहीं है, ये सोनी है, लिखा हुआ है पापा बहुत बड़ा बड़ा। ये देखो, नहीं इसकी बात कर रहा हूँ जो अभी ऑलरेडी, ये कैनन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, हो गया। अरे तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कुछ, चलो सेट कर लो फिर दिखाना। तो जी टुमारो वी हैव अ अर्ली मॉर्निंग, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, कल थोड़ा जल्दी, फिर नहीं दिख रही जल्दी। तो कल जल्दी उठना है, कल कहीं जाना है मुझे और अविनाश को, तो मम्मी पापा घर की सफाइयां ही कराते रहेंगे। मम्मी पापा पे बहुत लोड है, मम्मी को बोल दिया मैंने 8:30 बजे मुझे कॉफी के साथ उठाएं। तो ये व्लॉग मम्मी आप 8:30 बजे शुरू करोगी कॉफी के साथ। अच्छा। आप मुझे उठाने आओगी? ठीक है, ठीक है, तो बेटे को बोल देना बेटा चला देगा। तो इधर से गुड नाइट आ रही है दोनों की तरफ से, गुड नाइट, गुड नाइट हो गया है। मम्मी की तबीयत बहुत बेहतर है अब, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी, मतलब वो जो खराब हुई थी वो तो उसी टाइम ठीक हो गई, वनीला जो कॉफी था उसने ठीक कर दिया। ये मैं इस आदमी से मिलवा रही हूँ यहाँ पे जो कि आपको गुड नाइट करता हुआ अब नजर आ सकता है, और मैं सीधा कश्मीर की वादियों से आपको कहता हूँ हेलो, हम जा रहे हैं सोने। ये है मेरी बीवी का कश्मीर, आज सोने जा रहे हैं। बाथरूम पूरा टूट चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, भगवान जाने। तो इसी चाहत और ना चाहत के चलते ये ब्लॉग को हम एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं एक उम्दा ब्लॉग में कल, कल एक उम्दा ब्लॉग बनेगा। इसी के साथ आप एक उम्दी तरफ से डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सीड एंटरटेनमेंट। किसका फोन है समय? ये कौन कॉल कर रहा है समय? रात को हमारे घर में कॉल नहीं आती किसी के। Who's calling you?